हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फ्रांस देश के ग्रामीण जीवन के ऊपर जानकारी देंगे, जैसे कि वहाँ के लोग किस प्रकार की खेतीबाड़ी करते हैं, कौन सा पशुपालन करते हैं, किस प्रकार से वहाँ के लोग अपना जीवन जीते हैं, कौन कौन से मुख्य व्यवसाय हैं जिसके ऊपर वहाँ के ग्रामीण वासी ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इस वीडियो में हम साउथ फ्रांस के गिर डिपार्टमेंट यानी गिर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र के गैस्कोनी गाँव के जीवन शैली को दिखा रहे हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रांस के गैस्कोनी गांव का ग्रामीण जीवन और जीवन शैली काफ़ी हद तक इंग्लैंड स्पेन के ग्रामीण जीवन से मेल खाती है। यहां का अधिकांश ग्रामीण वासी पशुपालन और खेती पर निर्भर रहते हैं। पशुपालन में गाय और भेड़ ज़्यादा पालते हैं जिससे इनका दूध पनीर का व्यापार होता है और खेतीबाड़ी में अधिकांश रूप से अंगूरों की खेती, फूलों की खेती, सेब, चेरी, एप्रिकॉट जिसे खुमानी कहते हैं, इनकी खेती की जाती है। अंगूरों की खेती यहाँ पर ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उससे यहाँ पर वाइन, बियर ज़्यादा बनती है। सुबह होते ही यहाँ का सबसे पहला काम पशुओं के लिए चारे पानी का बंदोबस्त करना होता है। पशुओं के सुबह के चारे के लिए घर के आसपास की घास का प्रयोग किया जाता है। चारा काटने के लिए इनके पास लंबी सी दराती या फिर कहिए घास काटने का औजार, जिसमें 4 से 5 फीट का लकड़ी का हैंडल लगा होता है जिससे घास कम समय में और ज़्यादा मात्रा में आसानी से काट ली जाती है। फ्रांस के गांव काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन आबादी में काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए यहां पर प्रत्येक आदमी के पास काफ़ी मात्रा में ज़मीन होती है। इनके अपने फार्म होते हैं, अपने रेंच होते हैं, उन्हीं रेंच में ये लोग पशुओं के लिए घास उगाते हैं और वहीं से घास काटकर अपने पशुओं को खिलाई जाती है। यहाँ के गांव वाले ज़्यादातर भेड़, गाय, घोड़े, मुर्गियाँ और सुअरों को बहुत अधिक मात्रा में पालते हैं। फ्रांस के गैस्कोनी गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय गाय और भेड़ पालन है। औसतन रूप से यहाँ के एक परिवार के पास 50 से 100 भेड़ होती हैं और 50 गाय तक होती हैं। दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको यहाँ के घर और घूमते हैं यहाँ के गांव में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के गांव काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं। घरों का डिज़ाइन आज भी पुराने समय का है। पूरा गांव देखने में एक जैसा लगता है। सारे घर एक ही डिज़ाइन के बने हैं। गांव की गलियाँ, सड़कें पूरी तरह से प्रॉपर वेल प्लानिंग से बनाई गई हैं। यहाँ के घरों का रंग ज़्यादातर आपको हल्का पीला और सफ़ेद दिखेगा। गाँव की गलियों में कहीं भी आपको पानी नहीं भरावा मिलेगा। सहन सफाई बहुत ही ज़्यादा है। पूरा गांव आपको वेल क्लीन और साफ सुथरा मिलेगा। गांव के बहुत से परिवार जिनके पास ज़मीन कम है, वे लोग गाय और भेड़ों के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। भेड़ों से इन्हें मीट, दूध, बाल जिसे भेड़ों का ऊन भी कहा जाता है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित काम है। भेड़ों के बाल काट कर उसे ऊन बनाया जाता है जिसे बाजारों में बेचकर अच्छी आमदनी होती है। भेड़ों के ऊन से यहाँ पर पहनने के लिए गर्म कपड़े, चादरें और बैठने के लिए दरिया बनाई जाती हैं। दूध से यहाँ पर पनीर, मक्खन बनाकर नज़दीक के मार्केट में बेचा जाता है। फ्रांस में दूध से बने उत्पाद की बहुत ज़्यादा मांग रहती है, खासकर पनीर, चीज़, मक्खन आदि की। इस कारण यहाँ के गाँव वाले, यहाँ के किसान भाई, इनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। अब जानते हैं फ्रांस के गांवों में खेती किस प्रकार से की जाती है और खेती से क्या मुनाफा होता है। यहां के गांव वालों के पास बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन होती है और इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन होने के कारण इनके खेत भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। एक किसान के पास औसतन 100 एकड़ से 200 एकड़ तक ज़मीन होती है। खेती में यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूलों की खेती, जिससे अधिकांश रूप से तेल निकाला जाता है, उस चीज़ की खेती की जाती है। और इसके अलावा अनाज में बाजरा, जौ, सब्जियों में आलू, प्याज, गोभी और फलों में सेब, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, इन सब की खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है और इन सबको फ्रांस के शहरों में और यूरोप के दूसरे देशों में बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाया जाता है, जिससे यहाँ के किसानों को सीधा फायदा होता है। और जो यहाँ के छोटे किसान हैं जिनके पास खेती की ज़मीन कम मात्रा में है, वे अपनी खेती की उपज को यहाँ के फार्मर मार्केट में सीधा बेचते हैं, वह भी अच्छी कीमत पर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फ्रांस के हर गांव के आसपास आपको फार्मर मार्केट यानी सब्जी मंडी मिल जाएगी। ये फार्मर मार्केट ऐसी जगह पर होते हैं
जहां पर आसपास के गांव वाले आसानी से आ जा सकें और अपना सामान यहां आसानी से बेच सकें। फ्रांस में किसान अपनी फसल ग्राहक को डायरेक्ट बेचता है, जिससे इन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल जाती है। यहाँ की मंडियों में कोई भी कमीशन एजेंट नहीं होते, जिस कारण किसान को सीधा लाभ होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।